आई एवरी वन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज एयर सो ट्रेडर्स सबसे पहले हम लोग निफ्टी से शुरू करते हैं आज बहुत अच्छा दिन आया है एंड अगर आप डेली शार्ट नोट करेंगे यहाँ पर तो डेली शार्ट पर क्लियरली बाज़ार ने एक बहुत अच्छा कैंडल uh, बनाई है काइंड kind ऑफ of कह सकते हैं रिवर्सल हो सकता है यहाँ से बाज़ार में ओके okay? तो अब ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एस एलेक्शन ओके जी तो एक बहुत अच्छा मूव आया है तो अब प्लानिंग क्या रहेगी हमारी अब आपको आप लोगों को पता है कि यू एस इलेक्शन का सीन है और जितना मुझे पता है इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं आएगा रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा ओके तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आज से कास्टिंग वास्टिंग शुरू हो गई अपनी वोट्स की एंड जैसे ट्रंप लीड करेंगे रैली आएगी तो आज जो हमने मॉर्निंग में ट्रेड भी लिया था जब मैं लाइव आया था तो मेरा एक एस गया था मैं लॉन्ग था यहाँ पर और मैं यही मूव यहाँ प्लान कर रहा था बट वो ट्रंप वाली न्यूज़ यहाँ पर आई है ओके देन प्राइस ऊपर भागी है राइट तो आज बेसिकली हमने एक लाइव में ट्रेड लिया था एक जाते जाते मैंने आपको शॉर्ट का ट्रेड प्लान दिया था जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया था तो मेक श्योर sure आप उसको ज्वाइन कर लेना अब जो भी ट्रंप से रिलेटेड अपडेट्स होंगे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स होंगे आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे तो मेक श्योर sure आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें जैसे एटलीस्ट आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ इनफॉर्म्ड रहें आप लोगों का कहीं ना कहीं कटे बटे ना ठीक है ओके कल दोबारा नौ बजे लाइव आऊंगा तो मेक श्योर sure आप लोग आए लाइव ओके okay. अब प्लान करते हैं हम लोग अपने लेवल्स के हमारे लेवल्स क्या रहने वाले हैं सो इफ़ यू अंडरस्टैंड फ यू सी बाज़ार क्या कर रहा है बाजार अगर आप मैं एक घंटे का चार्ट भी आपको दिखाऊं यहां से तो आप यहां देख सकते हैं जो मार्केट है मार्केट क्लियरली एफ ने ऑल टाइम हाई से बेचा है ओके okay? और उसके बाद आप देख सकते हैं बाजार इस टाइप से जोन पे जोन क्रिएट करता जा रहा है राइट right? एंड फिर बाजार ने यहां पर क्या किया लोअर लो लोअर लो यहां पर फर्स्ट टाइम एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से एंड अब यहाँ पर जो मेरा प्लान है क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ देखो आ जाते हैं हम पंद्रह मिनट पर सबसे पहला प्लान है मेरा है डिप का प्लान रैली मिली है मुझे तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन मैं लूँगा मैं अपसाइड कर लूँगा ओके तो अगर डिप आती है तो मैं यहाँ पर बाय करने वाला हूँ बहुत सिंपल प्लान है चौबीस हज़ार एक सौ तक की कोई भी डिप आती है एक सौ चौबीस हज़ार पचास कोई भी डिप आती है आई एम बाइंग ठीक है क्लियर है तो ये है सबसे बेस्ट प्लान अगर ये आया तो मौका बहुत अच्छा मिलेगा ओके सेल वाला भी कुछ नहीं करना अगर बाज़ार टूटता करता है पुल बैक्स पर देखेंगे अगर कोई सेल की अपॉर्चुनिटी थी लाइव में प्लान करेंगे बट अभी फॉर द टाइम टाइमिंग इस कैंडल इस फॉर्मेशन के हिसाब से हम इस टाइम पे बाय प्लान करेंगे ओके शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में प्राइस जो है वो बाय ऑन पुल बैक्स हो गया है लॉन्गर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी सेल ऑन राइज वाली ही गेम है ठीक है बट जैसी आज कैंडल्स बनी है आई आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि यहाँ से बाजार एक अच्छा रिवर्सल दे सकता है ओके सो नेक्स्ट क्या रहेगा नेक्स्ट को समझते हैं ये देखिए आप यहाँ पर क्या प्लान है अगर आप मैं एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन भी अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं बाजार ने एक अच्छा खासा मूव यहाँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बाजार ने एक अच्छा खासा मूव प्लान किया है ठीक है तो एक तो मैंने आपको पुल बैक का बताई दिया कि अगर कोई पुल बैक यहाँ पर आता है या फिर यहाँ पर आता है दोनों पुल बैक आर स्ट्रॉग ट्वेंटी फोर वन फिफ्टी भी बहुत बढ़िया रहेगा ये तो मेरा सिलेक्टिव पुल बैक है ट्वेंटी फोर ज़ीरो फाइव जीरो ये तो बेस्ट रहेगा जिसमें बी टी एस टी ट्रेडर्स कट जाएंगे और बेस्ट प्राइस फिल्स मिल जाएंगे हम लोगों को ठीक है तो अगर ये मिल गया तो बेस्ट है अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा अगर बाजार यहीं पर कहीं खुलता और एकदम से ऊपर निकलता है तो मैं भैया यहाँ पर डायरेक्ट बाइंग कर रहा हूँ बिकॉज़ ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा ओके तो हम प्लानिंग बाय एंड प्राइस यहाँ तक और इन जोन तक चेक कर सकता है तो ये पहला ट्रेड मैं लूँगा ठीक है तो कल लाइव आऊँगा तो मेक श्योर आप लाइव आना ना भूलिएगा और उसके बाद अगर कोई अप होता है कुछ होता है तो मैं एक रेंज की वेट करूंगा कि बाजार एक रेंज बना दे एंड उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो ही हम प्लान करेंगे तो हम बाय नहीं करने वाले ठीक है तो तीनों प्लान आपको क्लियर कर दिया मैंने कि अगर गैप अप हुआ तो हम क्या करेंगे अगर साइडवेज में खुला और ऊपर निकला तो हम क्या करेंगे अगर बाजार नीचे आता है तो हम क्या करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मेजरली नब्बे मैं बाइंग फेवर कर रहा हूँ ओके अगर सेलिंग करनी पड़े तो मैं वो लाइव में आप लोगों को बता दूंगा ठीक है तो ये हो गया हमारा किस चीज़ का निफ्टी का प्लान अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में अब बैंक निफ्टी का क्या सीन रहेगा लेट्स अंडरस्टैंड दैट बैंक निफ्टी क्लोज टू टू परसेंट अप गया है तो बैंक निफ्टी ने तो मतलब क्या ही बताऊं मैं वाट लगा दी तो आप यहां पर अगर देखेंगे बाजार इस रेंज के अंदर ही था पूरा एंड इसी रेंज के बॉटम से एकदम से रिकवरी आई है ओके okay. तो अब आ जाते हैं हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है अगर आप मैं आपको दिखाता हूं एक तरह एक तरहिक ये ये नवंबर का ये जो आप देख रहे हैं दिवाली का ये वाला एक हाई था ठीक है और एक लो था दिवाली का तो वो आराम से बाजार ने क्रॉस कर दिया अब दिवाली का हाई लो ना इट्स गोइंग टू वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो यहाँ पर अगर कोई डिप आती है फिफ्टी वन एट हंड्रेड तक तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ बाइंग करने वाला हूँ ये मेरा बहुत क्लियर प्लान है कि यहाँ पर अगर डिप आई तो मैं बाइंग कर रहा हूँ बात करता हूँ ठीक है उसके बाद अगर मैं थोड़ा आपको एक बार स्क्रोल करके दिखाऊँ ऐसे ये आप देखिए इधर तो आप यहाँ देख सकते हैं बाजार में ना सम सॉर्ट ऑफ रजिस्टेंसेज बन रहे हैं यहाँ बना रेजिस्टेंस यहाँ बना रेजिस्टेंस यहाँ बना रेजिस्टेंस यहाँ बना रेजिस्टेंस और अब यहाँ बना ठीक है तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे सबसे सिंपल चीज़ क्या है अगर प्राइस अगर प्राइस इसके ऊपर ये देख रहे हो 350 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है कोई गैप अप करता है यहाँ से कोई बड़ी कैंडल निकलती है तो हम बाय कर रहे हैं बात खत्म ठीक है सिंपल क्योंकि एक मोमेंटम कंटिन्यू होगा एकदम से मोमेंटम कंटिन्यू होगा ओके और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि वॉट आई थिंक इज काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो ये पोजिशन लेके गए हैं ओके okay? तो वॉट आई एम गेटिंग अ फीलिंग इज कि ये अगर ऊपर निकलता है तो वो एकदम से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे और उसको देख के और एडिशन्स होंगे तो एकदम से रैली होगी बाजार में तो आई डू नॉट वॉन्ट टू मिस दैट तो मैं उस पर प्लान करूँगा ठीक है ना तो ये कल लाइव में आ रहा हूँ नौ बजे तो मेक श्योर sure आप उसको मिस ना करें ओके okay? जी तो आप ये देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट है एक ये देखिए ऊपर एक ब्रैकेट है नीचे एक ब्रैकेट है बाजार इस ब्रैकेट के पास है काफ़ी बार टेस्टिंग हो गई है तो चांसेस हैं कि ये ब्रैकेट टूटेगा टूटता है तो गैप कवर होगा गैप कवर पे 53,000 का टारगेट आएगा अपना तो यहाँ से एटलीस्ट पाँच सौ छः सौ पॉइंट का मस्ट टारगेट आएगा आप साइड पर तो उसको मिस मत करिएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा प्लान और एक हो गया यहाँ पर हमारा ये वाला प्लान ठीक है ना ये वाला हमारा प्लान हो गया गैप अप हुआ तो बाइंग करने वाले हैं और अगर यहीं पर कहीं खुलता है तो या तो रेंज बनने दो और फिर ब्रेकआउट होने दो तो बाइंग कर लेंगे या फिर डिप आने दो तो बाइंग कर लेंगे ठीक है ना दोनों प्लान्स अपने पास हैं सेट तो ये हो गया आपका सीन इसको आप फॉलो करिए एंड दैट इज़ इट मैंने आज टोटल जो ट्रेड्स हैं तीन बार लिए हैं एक बार मैंने आप लोगों के साथ मार्केट में लिया था एक जैसी मार्केट क्लोज जब मैं आप लोगों के साथ मैंने स्ट्रीम एंड की थी तब एक शॉर्ट का ट्रेड आया था और एक आया था कुछ दो बजे के करीब ओके मैंने चीजिंग की थी बट मैंने उसको एंट्री नहीं डाली है अपने ट्रेड बुक पर बिकॉज मैं जनरली दो बजे के बाद ट्रेड करता नहीं हूँ और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ ओके बट मुझे ट्रेड लेना था वो वाला तो इसलिए मैंने वो ट्रेड लिया था तो आई ब्रोक माई रूल सैटिसफाई मैंने वहाँ पर कोई एंट्री की डाली नहीं है ठीक है समझ गए बात तो आज का बढ़िया दिन था मज़ा आया था आज ट्रेड करने में मोमेंटम थोड़ा लेट आया आज बाजार के अंदर बट आया बहुत अमेजिंग वाला ओके okay? आई होप आपने भी पैसे बनाए होंगे एंड अब अपने पैसे को ना रिस्क थोड़ा सा ना कम कर लेना लालच मत करना आंखें खुली रखो कान खुले रखो कि हो क्या रहा है इन द वर्ल्ड मार्केट्स एंड गैम्बलिंग नहीं करनी है ठीक है समझ के बाद आई होप दिस हेल्प्स वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कल मिलते हैं नौ बजे नेक्स्ट वन बाय